2005 में से तीन जजों ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया। कहा सरकार बनाए कानून। तीन तलाक के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। नहीं साहब, सरकार को निर्देश है कि आप एक जो है कार्रवाई शुरू कीजिए कानून बनाने के लिए। उसके साथ ये कहा है कि अगर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस कानून के ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक जो है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं, तब तो जब तक वो कानून पास नहीं हो जाता तब तक वो इंजंक्शन चलेगा। लेकिन अगर उसके ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक को अपहोल्ड किया जाए तो बस उसी वक्त वो इंजंक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें बेमायने इसलिए हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेजॉरिटी जजमेंट विल रूल। द जजेस, जजमेंट ऑफ द थ्री जजेस जिसके बेसिस पे फाइनल ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर ये है कि ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड फ्रॉम टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ थ्री डिफरेंट जजेस। दारुल खजाने बंद होनी चाहिए। जब तक दारुल खजाने बंद होगी औरत जो है वो कोर्ट का रास्ता नहीं लेगी, वो इन्हीं दारुल खजाओं का शिकार बनेगी। सरकार के लिए क्या कर रहा है? इधर भी देख लीजिए। सरकार के लिए कहा गया है कि वो इस पर जो है लॉ फ्रेम करे। लॉ फ्रेम करे, ये मैंने कहा वक्त है। मान लिया जाए कि अब पूरी तरह से रोक लग गई है। नहीं देखिए, रोक तो लग गई है, एक मोहर लग गई है, लेकिन इसके लिए ये कंट्रोल तभी हो पाएगी जब इस पर कानून बनाया जाएगा। एक रास्ता दिखाया गया, डायरेक्शन तय हुई है, डायरेक्शन तय हो गई है कि किस वे में ये चीजें डिसाइड होंगे। तो अब सरकार को भी आसानी होगी इस पे कानून बनाने में, उसको भी एक दिशा मिल गई है। अब अगर वो कानून बनाती है तो उस पे कोई धब्बा नहीं लगेगा कि भाई मुल्ला ये बात नहीं कह सकेंगे कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ये कोई ज्यादती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का खुद से ये कहना है, खुद से ये वर्डिक्ट है कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो लॉर्ड फॉर्म करे। चीफ जस्टिस का वर्डिक्ट उनकी क्या राय रहेगी? एक्चुअली चीफ जस्टिस भी इसके नहीं है और उन्होंने यही कहा है कि लेजिस्लेशन इस पर जो है वो एक कॉन्क्रीट। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार संसद में इसको लेकर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर के नेतृत्व में पांच जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान जस्टिस आरएफ नरिमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस यूयू ललित तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे। वहीं चीफ जस्टिस जिस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर इसके पक्ष में थे। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुना? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर तीन तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। महरानों, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है।